हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th का, और मैंने ये क्वेश्चन लिया है TS ग्रेवाल 24-25 एडिशन से, और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 4.115 पर। सो लेट स्टार्ट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MM लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, हमें दोनों बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 2022 की और 2023 की। देखो क्या बोला है। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख। इसका मतलब हमने 1 लाख की शेयर कैपिटल इशू करी है। ठीक है, इसको हम ये एज्यूम करके चलते हैं, बिना नोट्स अकाउंट्स को देख के हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने 1 लाख की कैपिटल इशू करी है। ठीक, नाउ रिजर्व सरप्लस है -50,000। पहले लॉस था, एक्यूमुलेटेड लॉस, अभी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरिंग से 450 से 450, शॉर्ट टर्म बोरिंग से 1 लाख से 150, शॉर्ट टर्म प्रोविजन से 90 से 70। ठीक है, प्रोविजन कम हो रहे हैं। नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7,20,000 से 10,03,000, इनटेंजिबल असेट्स हैं 30 से 20, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 75 से 1 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट से 60 से 50, और इन्वेंट्रीज हमारे पास 45 से 1,07,000 बढ़ रही है इन्वेंट्रीज यहाँ से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 60 से 90। ठीक, ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट का पार्ट है। पहले था नेगेटिव, मतलब ये हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% डिबेंचर्स, पहले भी 450 थे और बाद में भी 450। हमें 12% डिबेंचर्स पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है और फाइनेंसिंग का पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स। नाउ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमारे पास है करंट मेच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स 12% डिबेंचर। ये कुछ ऐसे डिबेंचर्स है जो इस साल मेच्योर हुए, ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और इस साल हमने उनको रीपे कर दिया तो बैलेंस जीरो हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट है 50 से 1,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 90 से 70, मशीनरी है 8,21,000 से 12,03,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,01,000 से 2 लाख, एंड गुडविल का बैलेंस है 30 से 20। तो यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ हुई है 10,000। नो स्टॉक इन ट्रेड है 45 से 1,07,000, इंक्रीज हो रही है इन्वेंटरी। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंसेस सारे दे रखे हैं गाइस, और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो बोल रखा है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। ये जो डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं 50,000 की, ये वाले जो करंट मेच्योरिटीज में पड़े हैं, इन डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है 31 मार्च 2023 को। टैक्स ₹70,000 पे ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने टैक्स पे किया है। ठीक है, और प्रोविजन कितना हमारा, ये हमारे प्रोविजन बैलेंसेज है। ठीक है, 90 एंड 70, और ये टैक्स हमने 70,000 पे किया है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 नेगेटिव और ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। ठीक, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है और ओपनिंग है 50,000 नेगेटिव। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो वी विल राइट क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख लेस ओपनिंग बैलेंस, लेस ओपनिंग, दैट इज सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब ये जो सरप्लस बैलेंस था यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव फिगर को माइनस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे अल्टीमेटली पॉजिटिव होके, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इस साल का 2,50,000। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब हम इसमें अप्रोप्रिएशंस को ऐड करेंगे। देखो मेनली अप्रोप्रिएशंस में क्या आता है, एक तो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, जो हमारे इस क्वेश्चन में है प्रोविजन फॉर टैक्स, और होते हैं जनरल रिजर्व, डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें जनरल रिजर्व या डिविडेंड नहीं दे रखा। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नीचे पे किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और पे कितना किया 70,000। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। इस साल हमने कितना करंट ईयर का प्रोविजन बनाया है वो हमें दे नहीं रखा है, तो हमें अकाउंट बना के उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखो हम अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, इस फॉर्मेट से हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, देखो कैसे,
हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का 70,000, सॉरी 90,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 70,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। और जो हमने पे किया है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है टू बैंक अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने पे किया है, दिस वुड बी 70,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बैलेंसिंग फिगर निकालना है। टोटल हो रहा है हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा 1,40,000 एंड 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 में से 90 माइनस कर देते हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये हमने नया प्रोविजन बनाया है, 140 माइनस 90 इट वुड बी 50,000, ये हमारा हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो देखो इस पूरे अकाउंट में से दो फिगर्स हमारे काम के हैं, एक तो जो हमने टैक्स पे किया ये हमारे काम का है, ये माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, और ये 50,000 का हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से अप्रोप्रिएशन किया, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, ये ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देते हैं 50,000, ठीक है गाइस, ये तो हो गया ऐड। तो हमारे पास 3 लाख का अमाउंट आ गया जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक, ये हो गया प्रॉफिट, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, जो हमने टैक्स पे किया था 70,000, हम क्या करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लिख देते हैं लेस टैक्स पेड, ये इन्फॉर्मेशन हम साथ में ही इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम, हो सकता है एग्जाम में जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, तो 70,000 का जो टैक्स पे किया है वो कैश आउटफ्लो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम में भी आप ऐसा करें, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको पहले से जॉट डाउन कर दें, वरना क्या होता है हम एग्जाम्स में जब प्रेशर होता है हमारे ऊपर तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं होता। तो टैक्स पेड हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 लाख है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा आया 3 लाख, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है नॉन कैश और नॉन 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 ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, ऐड और लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक, ये हमें ऐड लेस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनको ऐड लेस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो नॉन कैश आइटम होता है उसमें सबसे पहले हमारे जो सबसे कॉमन आइटम है वो है डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और एक होता है हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ, वो भी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अभी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा था गुडविल रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फिगर लिख देता हूँ आपके सामने गुडविल रिटर्न ऑफ का। देखो गुडविल का फिगर हमें दे रखा है 30 से 20, ये गुडविल का फिगर है, ठीक है, 30 से 20 हो रहा है, मतलब हमने 10,000 गुडविल राइट ऑफ करी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 10,000 गुडविल को वापस से ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने पीएनएल से राइट ऑफ करा है, ठीक। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,21,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 12,03,000, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 1,01,000 और 2 लाख, हम ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग हमारे अकाउंट्स में जॉट डाउन करेंगे। इन दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। और नीचे हमें यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि हमने कोई मशीन बेची या खरीदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से दो अमाउंट मिलेंगे, यहाँ पे हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ओपनिंग बैलेंस 8,20,000, 1,01,000, 12,03,000 एंड 2 लाख, ठीक है। तो हम जॉट डाउन कर लेते हैं नीचे दोनों अकाउंट्स में, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, सी दिस, दोनों अकाउंट बनाए हुए हैं, मशीनरी अकाउंट है हमारे पास, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट वुड बी 8,21,000, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 12,03,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस 12,03,000,
ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है गाइस, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी हमें। अच्छा, साथ ही अब जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, सॉरी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसका बैलेंस भी लिख लेते हैं। उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, ओपनिंग बैलेंस है 1,01,000। ठीक है गाइस, और क्लोजिंग बैलेंस में यहीं पे लिख देता हूँ छोटा अमाउंट, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इज 2 लाख। इससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 1,01,000 का। इसका मतलब हमने 99,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर और ये हमने डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया 99,000 का। एक नॉन कैश आइटम आ गया। अच्छा, बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं 12,03,000 की क्लोजिंग बैलेंसेज है मशीनरीज के। ठीक है, तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई मशीन खरीदी है इस साल। ठीक, तो 12,03,000 माइनस 8,21,000, ये हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3,82,000। ये है गाइस हमारे पास टू बैंक, मतलब हमने ये मशीन खरीदी है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया हमारे पास 3,82,000। अब ये दोनों ही फिगर्स हमारे लिए बहुत काम के हैं, 3,82,000 और 99,000। 99,000 डेप्रिसिएशन है, ऐड हो जाएगा। हम सबसे पहले नॉन कैश मान के ऐड कर देंगे और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, दोनों ही साइमल्टेनियसली हम पोस्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं 99,000, ये हो गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट 99,000। ठीक है गाइस, अच्छा साथ ही साथ जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है परचेज ऑफ मशीनरी वो नेगेटिव हो जाएगा। 3,82,000 की हमने मशीनरी खरीदी है तो इट वुड बी परचेज ऑफ मशीनरी नेगेटिव फिगर 3,82,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐड कर देंगे 3,82,000, द कैश इज गोइंग। ठीक, तो ये दोनों आइटम्स हो गए हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये हो गए दोनों नॉन कैश आइटम्स, अब इनमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स देखते हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम नॉर्मली क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एक तो होता है डिबेंचर इंटरेस्ट नॉर्मली, या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो देखो यहाँ पे 12% डिबेंचर इंटरेस्ट है। एक होता है हमारे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमने हमने इन्वेस्टमेंट्स किए और हमें इन्वेस्टमेंट्स पे पैसा मिला, तो यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दे रहेगा, देर इज नथिंग। तो इसका मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट देखेंगे। देखो डिबेंचर्स 4,50,000 से 4,50,000 है, तो ये डिबेंचर्स तो हमारे साल भर आउटस्टैंडिंग रहे 4,50,000, इन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक ऐसे डिबेंचर से 50,000 के जिनको हमने करंट मेच्योरिटीज में ट्रांसफर कर दिया था और बाद में वो रिडीम हो गए, और रिडीम कब हुए देखो लास्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च को वो रिडीम हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इन ये जो डिबेंचर्स 50,000 के रिडीम हुए, इन डिबेंचर्स पे भी हमने पूरे साल भर का इंटरेस्ट दिया होगा। मतलब जो टोटल इंटरेस्ट बना हमारे पास 450 एंड 50, 5 लैक्स पे इंटरेस्ट पे किया होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट वापस ऐड हो जाएगा क्योंकि पहले हमने पीएनएल में से माइनस किया था नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। दिस इज 5 लैक्स इंटू 12%। ठीक है गाइस, ये हो गया 12%, तो साल भर का इंटरेस्ट हो गया 60,000। ठीक, ये हो गया। अब जो हमने डिबेंचर्स रिडीम किए और जो इंटरेस्ट हमने पे किया उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुरंत डाल दो साथ ही साथ, तो डिबेंचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, ये जो हमने पे किया था वो 60,000 था, वो नेगेटिव फिगर हो जाएगा। और हमने जो डिबेंचर्स रिडीम किए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 50,000 के डिबेंचर्स हमारे करंट मेच्योरिटीज में पड़े थे वो भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये डिबेंचर रिडीम हो गए। ठीक है, यहाँ से हमने रिडम्पशन देखा है। देखो वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, ये 50,000 के डिबेंचर्स हमारे पास करंट मेच्योरिटीज में पड़े थे तो इन डिबेंचर्स को हमने रिडीम कर दिया। ठीक है गाइस, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ साथ साथ। देखो अभी जब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर्स को पोस्ट किया है, डिबेंचर्स हमने जो रिडीम किए उनको पोस्ट किया है, तो साथ ही साथ क्या करो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और भी हमारे पास कुछ आइटम्स हैं वो चेक करो। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है 50 से 150, मतलब 50,000 से 150 हो रहा है, मतलब देर इज एन इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इससे पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी साथ में लिख देते हैं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इससे क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं चीज़ों को। ठीक है, साथ ही साथ लिख दिया, काम खत्म हो गया, लास्ट में टोटल कर देंगे। ठीक है, हम चीज़ें भूलेंगे नहीं।
ठीक है, लास्ट में गो थ्रू करेंगे बट स्टिल हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक, तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश सारे आइटम्स हो गए हमारे पास। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। नॉन ऑपरेटिंग 12% डिबेंचर्स मेनली था नॉन ऑपरेटिंग में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में हमें कोई इंटरेस्ट मिला नहीं। ठीक, तो ये सारे आइटम्स हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये है हमारे पास 99,000 प्लस 99,000 प्लस 70,000, तो इट वुड बी 1,69,000। ठीक है गाइस, ये हो गया, इनकी टोटल कर देते हैं। इट वुड बी 3 लाख प्लस 4,69,000, 1,69,000 वुड बी 4,69,000। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इट वुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले वाला है हमारा प्रॉफिट है। अब हम इनमें डालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड और लेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जितने भी वर्किंग कैपिटल का आइटम है, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, वो चेंजेस हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में चले जाते हैं हम, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहले लाइब्रेरीज देखते हैं। देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में तो हमारे पास एक तो डिबेंचर्स थे जिनको हमने रिडीम किया, और एक थे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ये दोनों ही जो आइटम्स हैं, ये वाले करंट मेच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों हमने फाइनेंसिंग में ले लिए। ठीक है, दीज ओवर बोथ आर फाइनेंसिंग आइटम्स, तो हमें क्या करना है, इनको करंट लाइब्रेरीज में नहीं लेना अब। ठीक है, तो करंट लाइब्रेरीज ड्रॉप हो गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, मतलब करंट लाइब्रेरीज है ही नहीं हमारे पास, जैसे ट्रेड पेबल्स है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं करंट असेट्स पे। करंट असेट्स में सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, ये नहीं आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, आएगा ये अभी वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। ठीक, इन्वेंट्रीज हमारे पास 45 से हो गई 1,07,000, ये हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। इसमें चेंज आ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है 1,07,000 माइनस 45,000, तो इन्वेंट्री बढ़ रही है हमारे पास 62,000। ठीक है, तो हम ऐड और लेस कर देंगे, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है हमारे पास, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को बढ़ा देंगे हम लोग, सॉरी लेस कर देंगे, लेस 62,000, बस एक ही आइटम है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल में भी एक ही आ जाएगा, लेस 62,000। ठीक, ये हो गया इन्वेंट्रीज माइनस। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 4,69,000 माइनस 62,000, और टैक्स का आइटम देखो हमने पहले ही लिख रखा था यहाँ पे 70,000 टैक्स पेड, इसको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस 70,000। तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 3,37,000, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, दिस वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम है क्योंकि यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव फिगर है, सो इट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ एक आइटम है हमारे पास, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। असेट्स हमारे पास दो ही हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये वाला पार्ट हो चुका है हमारे पास। अब आ जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हो चुका है, इनटेंजिबल असेट्स जो हैं वो 30 से 20 हो रहे हैं, गुडविल राइट ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से 75,000 से कितने हो रहे हैं, 1 लाख हो रहे हैं, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। ठीक है, 25,000 के, तो नेगेटिव फिगर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दीज आर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, सो इट वुड बी 25,000 नेगेटिव। ठीक है, ये परचेज हो रहा है, नेगेटिव फिगर हो गया। बस अब हम सबको चेक कर लेते हैं, सॉरी मैंने फाइनेंसिंग में लिख दिया, सॉरी इट वुड कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सॉरी सॉरी सॉरी, इट वुड कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, 25,000, तो देखो यहाँ पे पूरा ही नेगेटिव हो रहा है। ठीक है गाइस, तो 3,82,000 प्लस 25,000, ये है 4,07,000। ठीक है, नेगेटिव फिगर है 4,07,000। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव फिगर आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारे पास जो कैश था दूसरी एक्टिविटी से आया था, वो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज ले लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, मशीन खरीद ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक, ये भी हो गया। अब हम फाइनेंसिंग देख लेते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अब हमारे पास फाइनेंसिंग में देखते हैं, हमने कोई बैंक लोन तो नहीं लिया था, बैंक लोन में से हमने दिख नहीं रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ ही चुका है, बैंक लोन कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर रिडीम किए वो भी आ गया। शेयर कैपिटल हम चेक कर लेते हैं, देखो शेयर कैपिटल हो रही है हमारी 4 लाख से 5 लाख, ये शेयर कैपिटल का अमाउंट हो रहा है, ठीक है। मतलब हमने 4 लाख से 5 लाख हो रही है, मतलब हमने 1 लाख के शेयर कैपिटल क्या करी है, इशू करी है। इशू करने से पैसा आया हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा एक और आइटम, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इट वुड बी 1 लाख। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों आएगा, जस्ट बिकॉज पैसा आ रहा है हमारे पास। तो 2 लाख माइनस 60,000 -50,000, 90,000 का हमारे पास पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। तो ये 90,000 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया 90,000। अब देखो तीनों जो कैश फ्लोज आए, देखो सबसे पहले आया 3 लाख 37,000, फिर नेगेटिव है 4 लाख 7,000, और फिर है 90,000 पॉजिटिव। तो सबको ऐड कर देता हूँ मैं, 3 लाख 37,000 प्लस 90 पॉजिटिव माइनस 4 लाख 7,000, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज से कैश फ्लो आया हमारे पास नेट कैश फ्लो 20,000, ठीक है। तीनों को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 लाख 37,000 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 4 लाख 7,000 फ्रॉम फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस 90,000 फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है गाइस, ये हो गया 2 लाख। ये है नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज मतलब हमें इस साल कितना कैश फ्लो मिला सारी एक्टिविटीज को मिलाकर, 20,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स को, ओपनिंग कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे हमें पता पड़ जाएगा, ओपनिंग को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। देखो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, सी दिस, हमारे पास ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट है, देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश और कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है, और कैश इक्विवेलेंट एक और है हमारे पास जो ओरिजिनली कैश है हमारे पास, तो इन दोनों को मिलाकर ओपनिंग हो रहा है 60 एंड 60, 120, और क्लोजिंग है 50 और 90, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ओपनिंग को ऐड कर देंगे, 60 और 60 को, जो इस साल आया उसमें ओपनिंग को ऐड कर दिया जाएगा, इट वुड बी 60 फॉर कैश एंड 60 फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 120 हो गया हमारा ओपनिंग। अब ओपनिंग और इन दोनों को ऐड किया तो क्लोजिंग आ रहा है 140, तो अब हमारा वो भी क्लोजिंग 140 आना चाहिए, ठीक है। तो इट वुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैसे देखो क्लोजिंग देख लेते हैं हम, ठीक है, वैसे याद है मुझे बट स्टिल, क्लोजिंग है 90 और 50, तो 90 और 50 कितना हो गया, 140, ठीक है। तो हमारा बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो क्लोजिंग बैलेंस आर 90 फॉर कैश एंड 90 प्लस 50, 1,40,000। तो यहाँ पे आके गाइस हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो गया। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का बैलेंस लास्ट में मैच हो जाता है इस तरह से, तो इसका मतलब आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सही किया है, ये हमारा क्रॉस चेक है। अगर एग्जाम में हमारा मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्लीज रिवाइज द लेक्चर, इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, थैंक यू, गुड बाय।